कि भाई आप हमें वोट दें, हम मुल्क में कानून बनाना चाहते हैं। आप उनसे पूछे आपका मंशूर क्या है, वो कहे कि जब हम बरसर हुकूमत आएंगे तो किसी घर में नल का नहीं रहने देंगे, जब हम बरसर हुकूमत आएंगे तो दुनिया में कोई कुआं बाकी नहीं रहने देंगे, जब हम बरसर हुकूमत आएंगे तो कोई ट्यूबवेल बाकी नहीं रहने दिए जाएंगे, सिर्फ बारिश के पानी पर गुजारा होगा। और इसके सिवा क्योंकि हम खुदा के मानने वाले हैं, हम इन बंदों के पीछे लगने वाले नहीं हैं, तो मैं आप हजरात से पूछता हूं कि क्या ऐसा फिरका मुल्क को कामयाब करेगा या उजाड़ेगा जी। तो अब देखिए, ये कहना कि हम इस्लाम चाहते हैं लेकिन इस्लाम में फिका का कानून नहीं आएगा, ये बिल्कुल ऐसी ही जहालत और बेवकूफी की बात है कि हम मुल्क में कानून चाहते हैं, पानी की जरूरत जरूर है लेकिन नलके का पानी नहीं होगा, नलका उखाड़ दिया जाएगा, ट्यूबवेल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तो क्या ऐसा फिरका कभी मुल्क को चला सकता है? जो फिरका आज तक हमारे सामने इस बात से हाजिर है कि वो एक रकत नमाज के मसाइल नहीं बता सकता, वो भी ये दावा कर सकता है कि मैं मुल्क को चला सकता हूं, जो एक रकत के नमाज के मसाइल हमें नहीं बता सकता, जो प्याली चाय में पड़ी ही मक्खी नहीं मच्छर नहीं निकाल सकता, जैसे झूठे खुदा को मच्छर में मार डाला था ना, ये झूठा मजहब तो एक मच्छर से मर जाता है, वो लंगड़ा मच्छर सामने ठीक कर रहा है कि हिम्मत है तो निकालो मुझे बोला। अरे जो मच्छर से मार खा जाए वो मुल्क का कानून चला सकता है, उनको क्या हक है कि मुल्क में कानून चलाने का दावा करें। सही बुखारी शरीफ में एक और मिसाल है, हाँ हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन मुझ पर नाजिल फरमाया इसकी मिसाल बारिश के पानी की है, जब ये बारिश जमीन पर नाजिल होती है तो जमीन तीन किस्म की होती है, एक निशेधी सी जमीन जहां पानी पानी की शक्ल में तालाब बनकर खड़ा हो जाता है, एक वो खेत है जिसको बुखारी शरीफ में हजरत ने अर्ज तैयबा बयान फरमाया कि वो पाकीजा जमीन, उसने अपना सीना खोल दिया और पानी अंदर जज्ब हो गया। अब हमारी जिंदगी की तमाम जरूरियात अल्लाह ताला ने उसी पानी की बरकत से उस खेत में पैदा फरमा दी, हमें गंदम की जरूरत है तो वो कहाँ होती, तालाब में या खेत में, हमें गन्ने की जरूरत है वो कहाँ होता है, हमें ज्वार बाजरे की जरूरत है वो कहाँ मिलता है, हमें कपास की जरूरत है वो कहाँ होती है, हमें आम अनार केला इन फलों की जरूरत है वो कहाँ होते हैं, हमें फूलों की जरूरत है खुशबू के लिए वो कहाँ होती है, हमें जड़ी बूटियों की जरूरत है दवा दारू के लिए वो कहाँ होती है। तो इसको हजरत ने फिका से ताबीर फरमाया, तालाब मिसाल है हदीस की किताब की, किस किताब की, जिस तरह तालाब में हर पढ़ा लिखा या अनपढ़ अपनी आंखों से पानी देख लेता है, इसी तरह हदीस की किताब में हर आदमी को काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नजर आ जाते, लेकिन खेत में हर वक्त पानी नजर नहीं आता। अकीदा यही होता है कि इस खेत में जितनी भी फसल पैदा हुई है वो सारी उसी पानी की ही बरकत है। अब खेत मुकम्मल है और तालाब इसमें मुकम्मल चीजें नहीं, इसीलिए ये तालाब वाला खुद भी बेचारा खेत वाले से जाकर चीजें वसूल करता है। यही वजह है कि जितने भी मुहद्दिसीन हुए हैं वो किसी ना किसी इमाम के मुकल्लद हुए, मुहद्दिसीन के हालात में जो किताबें खुद मुहद्दिसीन ने लिखी हैं वो चार ही किस्म की हैं, तबकात हनफिया, तबकात शाफिया, तबकात मालकिया, तबकात हनाबिला। तबकात गैर मुकल्लदीन नामी कोई किताब किसी मुहद्दिस ने मुहद्दिसीन के हालात में नहीं लिखी, तो इसलिए ये खेत और तीसरी जमीन वो है जो एक टीला था, ना तो वहां पानी तालाब की शक्ल में खड़ा हुआ और ना वहां खेत की तरह कोई फसल होगी, लेकिन जो लोग यहाँ आबाद हैं इनको भी जरूरियात जिंदगी की जरूरत है या नहीं जी। अब ये जरूरियात जिंदगी खेत वाले से हासिल करेंगे या नहीं, और हासिल करने के तरीके दो हैं, एक जायज और एक नाजायज चोरी कर लेना, तो जायज तरीके से उनसे चीज ले लेना इसको कहते हैं तकलीद। क्या कहते हैं? तकलीद, जायज ताल्लुक से चीज ले लेना,
और चोरी कर लेना, तुमने यहाँ से उखाड़े और दो चार जूते खा लिए चोरी करके, और छलियां अगले खेत से जाकर दौड़नी शुरू कर दी। आखिर जिंदगी तो बेचारों ने गुजारनी है ना। तो इसी तरह कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बानमती ने कुनबा जोड़ा, बेचारों का कोई मजहब ही नहीं। वही पर एक लतीफा याद आया, शादी थी किसी की, तो शादी में मेहमान दो तरफा होते हैं, एक बारात के साथ आते हैं और एक लड़की के घर वालों में, हम तो मेल कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते उन्हें। एक आदमी ने रोटी खानी थी, था नहीं रिश्तेदार उनका, उसने सोचा कि किसी तरह मैं भी बैठ जाऊं। अब सोचने लगा कि बारात वालों में बैठूं या मेल वालों में बैठूं, तो उन्होंने सोचता रहा, आकर दरमियान में बैठ गया एक जगह। अब बारात बैठी है, आपस में तारुफ हो रहा है कि ये कौन है, मैं ये लड़की का छोरा है, चलते चलते रिश्ते पूछे जा रहे हैं। अब उस पर भी आए कि तू कौन है, उसने कहा कि मैं लड़की का ससुरा हूं। वो लोग कहने लगे ये कोई न्याय रिश्ता है यार, मुकदमा वाला पहले तो कभी सुना नहीं, ससुरा क्या होता है। उसने कहा कि लड़की का बाप और मैं किसी जमाने में एक अच्छे टट्टू चलाया करते थे। अब वो समझ गया कि ये सिर्फ खाने का बहाना है रिश्ता, ये रिश्ता हम नहीं जानते, कोई गैर मुकदम में ऐसा रिश्ता तो हो, वरना आम लोगों में ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता। उन्होंने उन्होंने कहा कि आप जाएं, हमें ऐसे रिश्ते को पहचानते नहीं। अब ये बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि खाना खाना था, नया रिश्ता भी करा, लेकिन फिर तो इसके पास एक डंडा था, इसने मुंह को लगा लिया और बाजों वालों में खड़ा हो गया जाके, जब वो बाजों वाले में खड़े हो जाते। अब जब बाजे वाले रोटी खाने लगे तो खलाने वाले ने देखा कि बाकियों के पास तो कोई ना कोई बाजा है, ये एक डंडे वाला दरमियान में फिर रहा है, ये कौन है। तो उसने कहा भाई देखो रोटी खा लो, लेकिन पहले अपना अपना बाजा बजा के सुनाओ सारे। अब सब ने अपना अपना बाजा बजा के सुना दिया। जब इसकी बारी आई तो हाँ भाई तुम भी बजाओ, उसने कहा कि मेरा अकेला नहीं बजता, सब में मिला जुला बाजा करता है। तो बिल्कुल यही बात गैर मुकल्लद कहता है कि मेरा अकेला कोई मजहब नहीं, सब में मिला जुला कहता मेरा मजहब है। तो इसी तरह इन बेचारों का मसलक क्या है, चोरी डाके का मसलक है। दो चार मसले शाफियों से चला लिए और हाँ जी हाँ जी हम तुम्हारे जाते हैं जी, हम आप जाते हैं, उनके साथ मिल गए। और फिर दो चार मसले हम बरियों से ले लिए, उनके पास चले गए जी, हम आप जाते हैं। इसलिए दुनिया में हमारा फिरका सिर्फ पाकिस्तान में चंद आदमी रहते हैं, और बिल्कुल यतीम मस्कीन फिरका है। जो सूद आपके पास हो, ज़कात हो, हम यतीमों मस्कीनों को दे दिया करो, क्योंकि और दुनिया में कहीं हमारा फिरका मौजूद नहीं है, इतने बड़े जहां में कोई नहीं हमारा। तो अब अंदाजा लगाएं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिका की मिसाल दी है खेत से, और बाकी जितने लोग हैं उनको भी जरूरियात जिंदगी के लिए खेत की जरूरत है या नहीं। अब हम लोग इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मेहनत करके जो खेत पकाया था उसकी फसल खा रहे हैं, और अकीदा यही रखते हैं कि इस फसल का पैदा करने वाला खुदा है और ऊपर मेहनत करने वाले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह है। हम खुदा का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी दुआएं दे रहे हैं। तो अब कोई आपके पास जमात आए वोट लेने के लिए, हम भी वोट लेकर आप क्या करेंगे कि हम मुल्क में कानून चलाएंगे, आपका मंशूर क्या होगा। उसने कहा कि सबसे पहले हम मुल्क के सब खेतों को आग लगाएंगे, उजाड़ देंगे, क्योंकि खेत मिसाल फिका की है ना। और ये मिसाल मैंने अपनी तरफ से बयान नहीं की, बुखारी शरीफ में अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयान फरमाई है। तो देखिए जिस तरह खेत के लिए पानी जरूरी है, इसी तरह इंसानी जिंदगी इस्लामी जिंदगी के लिए फिका जरूरी है। कोई खेत बगैर पानी के पनप सकता नहीं, और जो खेत का दुश्मन है वो मुल्क का दुश्मन है, इसी तरह जो फिका का दुश्मन है वो इस्लाम का दुश्मन है। तो जब भी कानून आएगा फिका की शक्ल में आएगा, ये कहना कि इस्लाम तो नाफिज हो फिका नाफिज ना हो, ये ऐसी ही बात है कि मुल्क में बारानी जमीनें रहे लेकिन खेत वगैरह उससे फसल हम उगने नहीं देंगे, बस बारिश का पानी पी पी कर गुजारा करेंगे और आपको भी बारिश के पानी पर ही रखेंगे। अब जब हम
नहायत वाजे दलीलों से ये बात समझा देते हैं कि फिका के बगैर कभी भी किसी मुल्क में कानून नाफिज नहीं हुआ और फिका की शक्ल में कानून आएगा। तो अब दो बातों से हमें डराया जाता है। एक तो ये बात कही जाती है कि फिका कितनी ही जरूरी सही लेकिन आप नाम ना लें। क्यों? आप फिका हनफी का नाम लेंगे तो वो फिका जाफरी का नाम लेंगे, वो फिका, इसलिए आप कम से कम उनका ख्याल करें। आप फिका हनफी का नाम लेना छोड़ दे। मैंने आपसे पूछा फिका की बुनियाद कितनी चीजें हैं? चार। तो फिका जाफरी वालों का कुरान गार में है, उनका कुरान कहाँ है? तो उनकी फिका की पहली बुनियाद ही नहीं। वो फिका क्या थी जिसकी बुनियाद में कुरान ना हो? और दूसरी बुनियाद सुन्नत है तो शिया के पास हदीस की कोई किताब ही नहीं। तो गोया दूसरी बुनियाद भी मौजूद है। इजमाए उम्मत तीसरी बुनियाद है, इसको वो मानते नहीं, वरना सिद्दीकी अकबर रजी अल्लाह तआला को खलीफा बरहक मानना पड़ेगा, वरना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला को खलीफा बरहक मानना पड़ेगा, इसलिए वो इजमा को भी मानने के लिए तैयार नहीं। अब बिल्कुल कोई हदीस ना पड़े, खा कितनी ही सच्ची क्यों ना हो, क्यों? वरना लोग झूठी पढ़ेंगे फिर। तो क्या हम इस मशवरे से सच्ची हदीसें पढ़ना छोड़ देंगे? आपके मुल्क में जाली करंसी होती है या नहीं? होती है ना? तो आप कोई मशवरा दे के खबरदार कभी खरा पैसा भी पास ना रखना, क्योंकि मुल्क में जाली करंसी भी मौजूद है। आपके पैसे पास रखने से उन लोगों को खाम का शह मिल जाएगी और वो जाली सिक्का बाजार में चलाना शुरू कर देंगे। तो क्या वाकई आप इस डर से अपने सारे पैसे फेंक देंगे? जाली दवाएं दुनिया में बनती हैं या नहीं? तो अब आप यही कहेंगे ना कि खबरदार कोई अच्छी दवा ना पीना सही, क्योंकि मुल्क में जाली दवा फरोश मौजूद है। ऐसा ना हो कि आपको भी इस गुनाह में शिरकत करनी पड़े और आपके इस सही दवा पीने की वजह से उन लोगों को खाम का हौसला बढ़ जाए और वो अपनी झूठी और जाली दवाएं बेचना शुरू कर दे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये जो बात है जिस तरीके से अगर हर जगह आप सच को मानते हैं झूठ को छोड़ते हैं, तो फिका में क्यों ये मानी नहीं पाती जाती बात? हम कहते हैं कि सच्ची फिका को हम किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं और झूठी फिका को किसी कीमत पर मानेंगे नहीं। और एक डरावा और दिया जाता है कि अगर जरूरी फिका नाफज करनी है तो आजकल के वकला हैं, जस्टिस हैं, प्रोफेसर हैं, अरबी जानते, ये भी तो अरबी से वाकिफ है ना, तो इन लोगों को बढ़ा दिया जाए ये एक फिका मुरतब करने। तो पहली बात तो ये बात मुझे एक गैर मुकल वकील ने कही एक तकरीर में। तो मैंने कहा अच्छा पहले आप ये बताएं कि कुल यहाँ जज हैं कितने आपके मुल्क में? फिका तकरीबन 2000 हैं। मैंने कहा पहले हैं 4 मजाहब, उनमें से यहाँ सिर्फ एक मजहब है, बाकी 3 यहाँ, लेकिन आप शोर मचाते हैं कि 4 मजहबों में इख्तलाफ है, 4 मजहबों में। तो जब 2000 फिके बनेगी तो उनमें इख्तलाफ होगा या नहीं? किसी मुल्क में 2000 फिके बयात वक्त नाफिज हो सकेंगे जी? नाफिज तो एक ही होगी ना। तो फिर आकर वो फिका जो खैर कुरून में मुरतब हुई है उसने क्या गुनाह किया है कि उसको छोड़कर उन लोगों को बिठाया जाए जो किरदार के एतबार से जानी भी हैं, जो शराबी भी हैं, और उनको कहा जाए कि तुम कानून इस्लामी मुरतब करो जो अपने जिस्मों के लिए कानून इस्लामी पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। तो असल बात यही है कि जब खुदा की किसी नेमत की नाशुकरी की जाती है तो अल्लाह ताला फिर अकल को छीन लेते। इन्होंने फिका की नाशुकरी की। अब देखो ये अबू अनीफा अबू अनीफा कि फिका के खिलाफ तो रात दिन बोलेंगे, लेकिन कोई जानी कहे ये फिका है तो ये कहेंगे आमना मतलब तकना। कोई शराबी कहे मैं फिका बताता हूँ ये सारे उसके पीछे लग जाएंगे। तो मैं तो कहा करता हूँ कि ये खुदा का अजाब और कहर है कि खैर कानून के मुकाबले में ऐसी फिका की इजाजत देना और ऐसी फिका के पीछे पाया। तो ये लिखा है कि मसला तरावी जरूर ध्यान करें कि तरावी 8 है या 20। भाई 8 और 20 का तो कोई झगड़ा ही नहीं दुनिया में, ये याद रखें, 8 और 20 का कोई झगड़ा नहीं, तरावी है ही 20। ये जो लोग 8 का झगड़ा आज डाल देते हैं वो असल में झगड़ा 8 और 20 का नहीं है। झगड़ा ये है कि नमाज तरावी कोई नमाज है भी या नहीं।
शिया खुलकर कहते हैं कि नमाज तरावी कोई नमाज नहीं, और वो पढ़ते भी नहीं।